देख सकते हैं यार, मंदिर के साइड बिल्कुल ही अच्छा सा मार्केट है, लाइक प्रसाद ये सब बेचने वाले। आगे साइड देखो ना तो भाई मार्केट काफी अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा मार्केट है। प्लस देखो हर कुछ जो भी आपको चीज चाहिए ना, मतलब खास करके जो भी फीमेल होते हैं ना, लेडीज होते हैं ना, उनको शॉपिंग करने का ज्यादा इच्छा होता है ना, तो उनके लिए खास करके बहुत ही ज्यादा शॉपिंग का सामान है। प्लस शॉपिंग पूजा पाठ के लिए भी ले सकते हो इधर से। फाइनली गाइस यहाँ से जैसे ही आप लोग निकलोगे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार ओम साई होटल मिल जाएगा, जो कि खाना काफी ज्यादा बेस्ट है। यहाँ का खाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। प्लस इस तरफ गन्ने का जूस, प्लस आगे की साइड देखो ना तो बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, बट करते इसको इग्नोर और आपको दिखाते अच्छा सा चीज। तो हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस। तो अभी अपन लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और फिर आपको मार्केट दिखाने वाले। इधर का मार्केट में आप लोगों को क्या क्या चीज मिलेगा पूजा करने के लिए, प्लस होटल कहाँ पे खाना है, प्लस इधर का मार्केट कैसा है, सारा कुछ दिखाते हैं। तो प्लीज गाइस वीडियो में बने रहना, तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। तो अभी आपको मार्केट का नजारा दिखाते गाइस, कैसा मार्केट है दिन में, और रात का भी नजारा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। देख सकते हो यार मंदिर के साइड बिल्कुल ही अच्छा सा मार्केट है, लाइक प्रसाद ये सब बेचने वाले, जो भी प्रसाद ये सब लेना होता है यहाँ से लेके जाते। प्लस कुछ खाने पीने वाला भी रेस्टोरेंट है, लाइक देख सकते हो यहाँ से होटल ये सब सारा कुछ खाने पीने वाला। प्लस इधर की साइड भी एक गली जाती है, अंदर की साइड भी मार्केट है, बहुत ही अच्छा मार्केट है। और इधर का मार्केट देखो ना तो भाई आपको हर कुछ मिलेगी, पेड़ा मिलेगा खाने के लिए, खाना मिलेगा प्रसाद के लिए, पेड़ा खाने के लिए। प्लस इधर से कुछ बर्तन ये सब है छोटा छोटा सा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ से बैग ये सब भी मिलता है सारा कुछ, आप लोग बैग भी खरीद सकते हो जिनको पसंदीदा हो। लेडीज लोग ज्यादा खरीदते हैं ना, इसी कारण से अपना मार्केट का वीडियो मैंने सोचा बना ही दूं। प्लस इधर होटल है खाने का, तो इधर खाना भी खा सकते हो। आगे साइड देखो ना तो भाई मार्केट काफी अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा मार्केट है। प्लस देखो हर कुछ जो भी आपको चीज चाहिए ना, मतलब खास करके जो भी फीमेल होते हैं ना, लेडीज होते हैं ना, उनको शॉपिंग करने का ज्यादा इच्छा होता है ना, तो उनके लिए खास करके बहुत ही ज्यादा शॉपिंग का सामान है। प्लस शॉपिंग पूजा पाठ के लिए भी ले सकते हो इधर से। और इधर देखो होटल तो भाई भरा पड़ा है, बहुत ही सारा होटल आपको मिलेगी रास्ते में, बहुत ही होटल मिलेगी। और फिर ये देखो सारा कुछ लॉकेट ये सब, और ये देखो अपना। सो यही है मार्केट है भाई, यहाँ से बाला ये सब भी ले सकते हो सारा कुछ, जो भी पूजा पाठ का ही सारा कुछ इधर मार्केट है, जो भी दिखेगा ना सारा पूजा पाठ का, प्लस लॉकेट ये सब बेचते इधर भी, और फोटो ये सब। ये देखो इधर भी प्रसाद है, हर जगह आपको प्रसाद प्लस जो भी पूजा पाठ वाली सामान होती है ना, हर कुछ मिलती है इधर। तो सामने के साइड आप लोग देख ही सकते हो यार, इधर देखो बर्तन ये सब पूजा पाठ वाला ही बर्तन है। और आगे मैं ना अभी और भी आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना गाइस, आपको और भी बहुत सारा कुछ दिखाते हैं। सो मार्केट यार काफ़ी अच्छा मार्केट है। और फिर यहाँ से अपन लोग तक तो ये कुछ यहाँ से मतलब पीछे के साइड से ही सीढ़ी पर से लाइन लगना पड़ता है। यहाँ पे सारे लोग श्रद्धालु जो भी बम होते हैं ना, यहाँ से लाइन लग के एकदम सामने के साइड जाते हैं, मार्केट होते हुए बिल्कुल ही अंदर जाया जाता है। फाइनली गाइस यहाँ से जैसे ही आप लोग निकलोगे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार ओम साई होटल मिल जाएगा, जो कि खाना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ का खाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। प्लस इस तरफ गन्ने का जूस, प्लस आगे की साइड देखो ना तो बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, बट करते इसको इग्नोर और आपको दिखाते अच्छा सा चीज़। तो ये देखो इधर प्रसाद, प्लस इधर भी खाने का बहुत सारा होटल, और सामने के साइड रेस्ट करने वाला भी होटल है, बट यार काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, जो कि मैंने कल देखा था उस लायक नहीं था, फिर भी यार इतना कॉस्टली इधर क्यों रखते पता नहीं, सावन का महीना शायद उसको लेके। और इधर की साइड देखो पूजा पाठ का, वो देखो भाई भगवान जी का, प्लस कढ़ाई ये सब सारा कुछ मिलता है, बर्तन, और इधर की साइड जूस। सो गाइस देख सकते हो इधर का मार्केट, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखा ना, इसी कारण से कुछ लोग बाहर की साइड नहीं अंदर की साइड कर लिए, क्योंकि इतना धूप है ना कि गर्मी से काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, प्लस बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है। और देखो काफ़ी सारे बम जा रहे हैं, अभी स्नान करने के बाद जो तालाब है ना, आपको मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा शिवगंगा तालाब, तो उसको भी दिखाऊंगा, उसको लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, बहुत कुछ डिटेल में। प्लस पांड्या जी से बात करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इधर साइड देखो मार्केट कुछ ऐसा है, लाइक कुछ दुकानें तो अभी बंद करके रखें, क्योंकि दोपहर 2 बज रहा है, तो इस टाइम का धूप काफ़ी ज़्यादा चिलचिलापन होता है ना, इसी कारण से। और अभी मैं और सिर्फ मंटू हूँ, जो कि हम दोनों जा रहे हैं आपको दिखाते हुए, और फिर सारा कुछ दिखा रहे हैं, बस वीडियो में बने रहना गाइस। तो देख सकते हो सामने के साइड जाने से अब कुछ इस प्रकार दिखता है, कुछ ऐसा मार्केट। हालांकि इस टाइम उतना मतलब सही नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा बहुत शाम होगा ना, जब धूप खत्म होगी ना, उस टाइम को मार्केट का नज़ारा देखोगे ना तो लगेगा यार एकदम चमक धमक सा मार्केट है, लेकिन अभी तो काफ़ी बंद बंद टाइप का शो कर रहा है। सो गाइस बस यही कुछ है, थोड़ा बहुत मार्केट अभी खुला हुआ, पूरा मार्केट नहीं खुला हुआ है। सो बस यही कुछ है मार्केट, आपको शाम का भी मार्केट दिखाएंगे, जो कि आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो दिखाने वाले शाम वाले मार्केट में, क्योंकि सारा मार्केट खुल जाती है।
तो गाइस बस यही कुछ था मार्केट में। तो अभी अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि धूप काफी ज्यादा है, मार्केट उतना खुला हुआ नहीं है, बहुत ही बंद बंद टाइप का है। तो अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें और फिर नाइट का वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे मार्केट का, जो कि काफी अच्छा होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सकता वीडियो को शेयर करना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बाय बाय, गुड बाय, हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस।